बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ खदीजा ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मेरे किचन में फ्राइड चिकन चाउमिन बनने जा रहे हैं, तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, इस स्पेगेटी को मैंने नमक और ऑयल डाल के उबाल लिया है और ये लाल कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, ये हरा शिमला मिर्च है और ये गाजरे हैं और इनको मैंने जूलियन कट कर लिया है और प्याज जाएगी इसमें और ये बंद गोभी है, ये भी जाएगी इसमें और ये सास है, ये मैंने बनाई है और अभी इसका प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, एक पैन में 1/4 कप पानी डालेंगे, चिली गार्लिक सास डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून, टोमेटो केचप 4 टेबल स्पून, विनेगर यानी सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून और हॉट सॉस 2 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। अदरक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून और गार्लिक पाउडर जाएगा 1/4 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, सास तैयार है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे इसको और अब ढक्कन बंद करके 2-3 मिनट सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन सॉफ्ट हो गई है और अब इसमें गाजरे ऐड कर रही हूँ और थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन बंद करके थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसमें मैं केबेज शामिल कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी, थोड़ा मिक्स करूँगी और अब इसमें मैं शिमला मिर्च शामिल करूँगी, लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। ठीक है, इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे, ज़्यादा देर कुक नहीं करना। ये जो सॉस बनाई थी ये ऐड की मैंने इसमें और थोड़ी सॉस मैंने बचा के रखी है, वो मैं जब स्पेगेटी को फ्राई करूँगी तब मैं उसमें शामिल करूँगी। बस इसको इतना ही फ्राई करना था और अब मैं इसको निकाल रही हूँ और अब मैं इसमें बची हुई सॉस और स्पेगेटी शामिल करके इसको फ्राई करूँगी। जी व्यूअर्स, इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च और नमक शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे इसमें।